जिंदगी में अब तक से मुस्कान ने बात करते हुए क्या कहा था कि इस्लाम पाले इस्लाम का नारा लगाया था, हमारे बेटे की गलती है, कहा था इस्लाम जिंदाबाद, यही था हमारी बेटे की गलती थी। मगर मैं बोलना चाहता हूँ ये संविधान हमें इजाजत दिया है हिंदुस्तान जिंदाबाद लगाने का, ये संविधान हमें इजाजत दिया है हिंदू धर्म जिंदाबाद लगाने का, ये संविधान हमें इजाजत दिया है ईसाई जिंदाबाद नारा लगाने का, ये संविधान हमें इजाजत दिया है सिख जिंदाबाद नारा लगाने का। तुम तो रहते हो इस्लाम जिंदाबाद नारा लगाने के बाद दोस्तों से छलनी कर दिया तो उससे भी जवाब देना होगा। बाद में माँ ने कहा था इस्लाम जिंदाबाद कल भी था, इस्लाम जिंदाबाद आज भी है, ताकि इस्लाम जिंदाबाद अरे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत कुर्बानी को भाई अहमद पूरे दीजिए। मैं किसी चाहता हूँ हमारा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, दुनिया नाम पे कत्ल कर ले तो कोई चर्चा नहीं, हजारों मुसलमानों को हजूम के नाम पर दो मिट्टी के नाम पर मुझसे न हो सकेगा बातचीत कहता हूँ, मेरी सभा के वास्ते ताले खरीदो, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर जर्स, नारे तकबीर अल्लाह हु अकबर, नारे तकबीर जर्स दानिश्वरों वतन के एहसास जहन वालों, दानिश्वरों वतन के एहसास जहन वालों, तुम चुप रहे तो तुम पर हर्फ आएंगे किसी दिन। दानिश्वरों वतन के साथ सहन वालों, तुम चुप रहे तो तुम पर हर्फ आएंगे किसी दिन। नफरत की आंधियों को रोका नहीं गया तो, नफरत की आंधियों को रोका नहीं गया तो धरती के चांद तारे बुझ जाएंगे किसी दिन, धरती के चांद तारे बुझ जाएंगे किसी दिन। मेरे कहने का मतलब यह है अगर इस पृथ्वी पर किसी इंसान पर जुल्म और ज्यादती होती है तो एक दिन इस पृथ्वी को खत्म हो जाना है, और जिसने इस पृथ्वी को बनाया है अपने महबूब के लिए आका इनामदार के लिए उसका नाम है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उसके शान में जर्रा बराबर भी गुस्ताखी होती है तो दुनिया को मिल जाना है, दुनिया में तबाही आ गई। तो मैं इंसानियत को आज सरजमीन पे मतलब पाकर रह जाता हूँ, खबरदार करना चाहता हूँ, हर चीज का
अंधकार अंधेर है। अगर आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत खत्म हो गई तो सब कुछ खत्म हो गया। हुजूर की मोहब्बत खत्म हो गई तो सारी चीजें खत्म हो गई। इसलिए अल्लाह पाक ने कहा है तुझे इश्क़ अंधेर है, मुसलमान नहीं रात का अंधेर है, मुसलमान नहीं रात का अंधेर है। अगर हुजूर के लिए खड़े नहीं होगे तो तुम किसके लिए खड़े होगे, किसके लिए खड़े होगे? तुम्हें जाने के बाद कब्र में रोज़े महशर में अपने हुजूर का सामना होगा, तुम क्या मुंह दिखाओगे? अगर ये किसी पार्टी ने दौड़ किया होता तुम चलते फिरते यहाँ पर चले आते, मगर जिसके लिए तुम मोमिन बने ईमान का दर्जा मिला आज तुम उस इंतजार पर नहीं आ रहे हो। अफसोस का मकाम है, सुनने वाले की बात है। मैं ये चीज चाहता हूँ जब नबी की बात आए तुम इन लोग का सोच रहा अपने दिल में मोहब्बत इश्क जराए में रखना जाहिर करता है। मुझे इश्क आकर धैर्य है, मुसलमान नहीं रात का धैर्य है। और यह हिंदुस्तान की सरजमीन में एक पवित्र सरजमीन है, एक मुकद्दस सरजमीन है। यह मुकद्दस पवित्र सरजमीन क्यों है मैं बता देना चाहता हूँ। टूटे थे जब हुजूर सरवर कायनात इस खाक दादगी की बात तशरीफ ला रहे थे तो सर ने हिंदुस्तान के बारे में क्या कहा था सुनिएगा। टूटे थे जब फारस के आसमान से, टूटे थे फारस के आसमान से, फिर ताप दे के जिसने चमकाए कहकशा से, फिर ताप दे के चमकाए जिसने कहकशा से, बदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस कथा से, बदत की लय मतलब खुदा की वहदानियत की लौ जिस कथा से सुनी गई थी, मीरे मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मीरे अरब को, मगर हमारे नबी को जहां से हवा आई थी, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। मतलब शाह ने कहा है अल्लाह के नबी को हिंदुस्तान से मोहब्बत की हवा आई थी, इसलिए एक बार फैजाबाद से हिंदुस्तान जिंदाबाद का आपको नारा लगाएंगे। हम उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे।
है। हमने सदियों इस धरती पर हिंदुस्तान पे हुकूमत की है। अपने आबादात को बदनाम न होने देंगे, अपने आबादात को बदनाम न होने देंगे। ये हवेली को नाम नहीं होने देंगे। जो लोग इस मुल्क को, जो लोग इस मुल्क के प्रॉपर्टी को बिक्री कर रहे हैं, रेलवे को बिक्री कर रहे हैं, लाइट को बिक्री कर रहे हैं, एजेंसी को बिक्री कर रहे हैं, स्टेशनों को बिक्री कर रहे हैं, एयरपोर्ट को बिक्री कर रहे हैं, मैं उन लोगों से मुतवज्जा होकर कहना चाह रहा हूँ, बीजेपी वालों से मैं मुतवज्जा होकर कहना चाह रहा हूँ, दिल्ली में जो सरकार बैठी हुई है मैं उससे मुतवज्जा होकर कहना चाहता हूँ, अपने आबादात को बदनाम नहीं होने देंगे। ये हवेली को नीलाम नहीं होने देंगे। जो लोग हवेली को नीलाम कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं, देखना तू कभी देख हुकूमत देकर, देखना है तू कभी देख हुकूमत देकर। हम किसी शहर में पहराव नहीं होने देंगे, दंगा नहीं होने देंगे। हमें हिंदुस्तान में कभी नफरत की सियासत नहीं की, हमें हिंदुस्तान में कभी विभाजन की सियासत नहीं की।